यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा परीक्षा केंद्रों में इजाफा किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन किया गया है। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुनिश्चित कर ले, जिससे परीक्षा को सुचिता पूर्वक सकुशल संपन्न कराया जा सके। पिछले वर्ष जैसे वो दिक्कत है, अभी अभी सेंट्रल मेंटल में चेकिंग नेटिंग हो गया है। हां सर, हो गया। कब तक फाइनल करना है ये सर? हमको 9 तारीख को फाइनल करना है। 9 तारीख को फाइनल करना है। पिछले बार कितने सेंटर थे, कितने बच्चे थे? एक लाख कितने? 1 लाख। 1 लाख बढ़ गया है। कम हो गया, कम कम हुई सर। 2021 की 1 लाख बढ़ गया था सर। ये 50 साल की 2020 की सर। पिछले बोर्ड एग्जाम में पिछले बार का सेंटर भी छूट गया है, बहुत सारे पिछले साल का सेंटर नया सेंटर जो शासन ने बनाया हमारा 34 साल कह रहे थे ना। हाँ, नहीं 40 हाँ